हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लीजा किचन ब्लॉग। केमिति अछन्ति आपण माने? मु आज आपण मानंग पई ने एसी गोटे न्यू रेसिपी जहार ना हेउछि कोबी मंडा। आपण माने मोर ही रेसिपी को थरे बनई देखन्तु, बहुत ही टेस्टी लागिबो। स्पेशल एटा हमर बौळ अमावस्या रे करा जायथे। जदि आपण माने चाहिबे मधे याकू अन्य दिने मधे बने कि खाइ परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा हमर एही रेसिपी को। रेसीपी प्रथम हाफ के जी अरुआ चाउल मुझे अरुआ चाउल को पानी रे भल भाव दुई घंटा बतरे देती से अरुआ चाउल को पानी रु छाणी सारे मुझे भल भाव ब्लेंडिंग कर ग्राइंड कर देखिपे आपण मैंने आम भल भाव सीझे दबा मुझे आपण मानक देखा केमती आम सीझे। देखु मुझे गैस अन कर बसे गोटे आमर इडली छाँच इडली छाँच में गोटे जग पा देवी। देखिपे आप गोटे जग मु पानी देली से आमर चाउल चूनाटा सीझापी टी टाइम लगे तो आम से अधिक पानी नहीं छे गोटे जग मुझे देखिपे आपण मैने आम कौन करवा आम इडली छाँचर सफा तल थाकटी को दबा एवं ताऊपर आम चाउल दबा चाउल चूनाटा जो करे से देदे ता भितर से सीझे आम ए कणा से कणा अच्छी कणा भितर पशिजी आम चाउल चूना तो प्रथम से गोटे पेपर दे दूसरी तले पेपर दे सारापर मुझे चाउल चूना देखी थी आपण मैंने जोटा देखी थी से चाउल चूना को मुझे दे दूसरी चारिपट को भल भाव देदेवे आपण मैंने चाउल चूना भल भाव चारिपट रु थापी ने भाव जहाँफल चूनाटी भल भाव सीझे बांफ आस गोटे मझे कणा करदे ढाकणी देदे। देखु मुझे ढाकणी कभर करदे चूनाटी सीझापी लगे अध घंटा तो ताकर आम चलतु बनई नवा आमर नेक्स्ट मसला या आम ये मंडा बनवाई नहीं जाइए अल्प मटर सीझे नहीं अल्प मटर गोटे आलु आ गोटे मीडियम साइज रो फुलकोबी को पूरा छोट छोट कर देखिपे भल भाव कहीं बड़ बड़ साइज कले पिठा रे पूरा बनैला बेले पिठा फाटी जाई पारे से आम या छोट छोट भाव में काटि नहीं जाए अंडा आम जो पूरा दबा से जो मसला बनवा आम गोटे साइज रो बड़ पियाज नहीं 10 रु 12 कोला रसुण नहीं आ गोटे छोट पीस अदा को काटिकी भल भाव धोई नहीं छोट छोट पीस कर दे चलो आम भल भाव स्मूथ पेस्ट गोटे बनईद ग्राइंडिंग करदे से स्मूथ पेस्ट को आम नहीं मसला कषा से कषाटी को आम मंडा भितर जाए चलत आम बनई ना आम मसला मोर मंडार दबापी प्रथम मुझे गैस गोटे कड़ई बसे नहीं तेल दौर अल्प तेल देबे 2 रु 3 चम्मच तेल देबे तेल दे सारापर तेल टिके गरम हो गले देखु तेल गरम हो आम से जो स्मूथ पेस्ट बनई थी प्याज रसुण अदार आम से देदे। देखु यही भाव जो पेस्ट होटा को देद तेल अल्प हलदी गुंड पकईद गोटे चामच मु काश्मीर रेड मिर्ची पाउडर नहीं पकईदे आप राग अनुसार ने काश्मीर रेड मिर्च पाउडर मध्य कलर करेड कलर आसो सुंदर देखा जोटा कि आम से स्वाद अनुसार लुण दबा तापरे मोर अल्प गरम मसला देवी से गोटे चामच गरम मसला देवे
ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମସଲାଟିକୁ ସେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିପଟରୁ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି କାହିଁକି ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି ମସଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବା ମଟର ବେଶୀ ସିଝେଇବେନି ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟରୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ ମସଲାଟିକୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଭର କରିନେବା ଘୋଡ଼େଇଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ସିଝିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟିକୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟିକୁ ମଝିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟେଇଦେବେ ନହେଲେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଗିଯିବ ମସଲାଟି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରିନେବା କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିନି ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ କଭର କରିନେଲେ ଏଇଟା ସିଝିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଚାଉଳ ଚୁନାଟି ଆମର ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିନେବା ଆମେ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ହାତ କରିନେବା ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ଟିକେ ନେବା ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ପାଣି କରିକି ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ଅଠା ହେଇ ଧରି ଆସୁଛି ଅଠା ଯଦି ଅଠା ଧରୁନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସିଝିନି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠା ଭଲ ଭାବରେ ଧରି ନେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଥିରୁ ସିଝିଗଲାଣି ବୋଲି ଚୁନାଟି ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଚକଟି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଚୁନାଟି ଗୋଟେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁତକ ଚୁନା ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଯାକ ମୁଁ ଚୁନା ଯେତିକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଆମେ ବିଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ନେବା ବିଣ୍ଡା ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆପଣ ବିଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ନେବେ ଯଦି ଆପଣ ବିଣ୍ଡା ନ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚକ ଡଳିବା ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନାଟାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇକି ସେ ବିଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ପିଠାରେ ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ବିଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜମା ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଭଲ ଲାଗିବନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି ଆଉ ବିଣ୍ଡା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି ସେଟାକୁ ଦେଇଦେବି ଲୁଣ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ଚକଟି ନେବା ଏକାଥରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି ଯଦି ଦଳିବାଟା ଆମର ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ହବନି ଆମର ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଦଳି ନେଇଛି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳି ନେବେ ଏହାକୁ ନ ଦଳିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପିଠାର ଫାଟିଯିବ ପିଠା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ିବା ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚକଟ ଦଳି ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନାଟାକୁ ସିଝେଇଥିଲେ ସେ ଦଳାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୁର ଦେବା
कोबी आ मटर आलूर मसला रेडी ताको भी देखो आम दलाटा को अल्प नबा आम ताको भल भाव यही भाव घूर 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 आम ताको बनैवा गुड़ा गोटे नहीं बनैवा टिके जिते आप पतला खोल रखिए पतला जिते रखिए आपते सुंदर लगे खावापी मोटा रखिले टिके भल लगन तेज देखते आमर हो भल भाव तादी आम पूरा देद पूरा दे सारापर आम या भल भाव देखता यही भाव पिठाटी को धीरे धीरे तार ऊपर लेबुलटा को चापी देवे चापी दे कौन हम कि आम पिठाटी भल भाव सीझला फाटबनी यही भाव कुटेदे यही भाव डिजाइन करदे भल लगे आमको पिठाटी देखते मुझे भल भाव आ गोटे नहीं भल भाव गुला करदे यही भाव चारिपट को बुले 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 आप पिठाटी को गढ़े पिठाटी जिते पतला खोल करेंगे से स्मूथ लगे आपण को खावापी देखु आम भल भाव रेडी जाटा तादरे मुझे पूरा दे दूची देखु आपण आपको भल भाव कभर करे भल भाव देखु डिजाइन गोटे बनईदे आम से सुंदर देखा जावाई भल भाव कभर भी करदे चापी देवे भल भाव न चापिले फिटिजी सीझला पिठा यही भाव करदे पिठाटी सुंदर देखा देखु एवं पिठाटी के सुंदर देखा यही भाव आम आउ दुई तीनो पिठा गढ़ुची गढ़ुआ जतोटी आपण स्टफ अच्छे आप भाव बनईदे देखु पिठाटी को यही भाव आम गोल गोल कर गोल गोल कर चापी 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 धीरे धीरे पिठाटी को बनैवा मसला जो आम बनई पूर जोटा पिठार दवापाई से मुझे बेसी देवेनि बेसी दे पिठा फाटी चापी कहीं ये सीझीनि कंचा आण अच्छी तापर आम यही भाव चापी नवा देखु एमती डिजाइन टा बनईद देखिपुर थे आपण मैंने भल भाव यही भाव पिठाटी आमर के सुंदर हो एबे आमे गैस टू अन करके इडली छांच को प्रथम जमी जी पा दे प्रथम चावल चूना देखे से पा अच्छी मैं एक्सट्रा पा देनी सबा तल छांच देदेबा से आम पिठा गढ़ी थे से पिठा को गोटे गोटे दबा सीझापी देखते यही भाव पिठाटी को ने रखिदे कौन करवा आम द्वितीय छाँचटी को न दे कहीं द्वितीय छाँच दे पिठा गुड़िक लगिज तुम्हें तृतीय छाँचटा जो ऊपर छाँच थी से दबापर से भाव पिठाटी को साइज कर सुंदर भाव रखिद देखते पिठाटी भल भाव साइज कर रखीदे ताको आम कौन कर ढांकी दबा ढांकुणी आम इडली छाँचर ढांकुणी ढांकी ना 20 रु 30 मिनिट पर्यंत आम या
छाड़ देबा सिझिया पई सिझिला पोरे मु आपन मानको देखैबी पिठाटी केमती हेछ ढाकुंडी को काढ़ी के देखि देबा पिठाटी देखंतु एबे हेई आसलानी पिठाटी अमर 30 मिनिट हे जाइछि देखंतु पिठाटी हाथ मारे आपन के देखि देबे सिझिलानी पिठाटी मे एबे गैस टी को ऑफ कर देबा आउ टिके समय खुला रखि देबा एमती जहा फल रे टिके बांफडा पर पळै गले पिठाटी भुला पर छाड़ी जीवो नरे पिठा को पिठा लागि पिठा भांगी जीवो थंडा हेइछि पिठाटी आमे ताको धीरे धीरे काढ़ी नबा तलु छाचर मध्ये आमे एई भली भाबरे साज्य एई साज्यर मध्ये काढ़ी दबा पानी हाथ अल्प अल्प ही काढ़ी देबे कहीं टिके गरम थी तो पानी हाथ न हेले पिठा काढ़ी पारिबेनि आपण माने देखंतु पिठाटी आमर भल भाबरे सिझी जाइछि आपण माने देखि परथिबे पिठाटी आमर केते बढ़िया से हेइछि तो आपण माने एमिथरे बनेकी देखंतु एवं मते केमिथि लागुछि आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे जणांतु।